गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए अवकल समीकरण का चौथा भाग। आज हम अवकल समीकरण में एक विशेष टाइप का अवकल समीकरण जिसको रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अभी तक आपने रैखिक शब्द कई जगह सुना होगा। रैखिक का मतलब होता है घात एक। दो चरों का रैखिक समीकरण यानी एक्स और वाई में घात एक, एक चर का रैखिक समीकरण मतलब एक समय घात एक। वैसे ही यहाँ पर क्या है, घात एक यानी डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और जो परतंत्र चर है y उसका घात यहाँ एक होना चाहिए, तब इसको रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक x का एक फलन p हो सकता है और इक्वल के बाद x का फलन एक q हो सकता है। p और q दोनों क्या है, x के फलन है, x के फलन है ये। तो इसको y में रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, y में रैखिक अवकल समीकरण। तो ये y में रैखिक अवकल समीकरण है, dy by dx एक घात का है और ये y की घात एक है और p और q x का फलन है। इसको हल करने के लिए एक होता है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक, समाकलन गुणक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू पावर p dx, y के साथ जो भी फलन है उसका e के पावर में लेकर के समाकलन करते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और ये इसका हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका समाकलन प्लस c। इस फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन होता है और इसी प्रकार x में भी रैखिक हो सकता है। तो इसका कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इस प्रकार कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे पहला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। इस फॉर्मेट में दिखने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को अकेले होना चाहिए, इसका गुणांक एक होना चाहिए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब रैखिक अवकल समीकरण हो गया। रैखिक अवकल समीकरण, ये डी वाई बाई डी एक्स है जैसे यहाँ है और ये y है, यहाँ भी y है। p के जगह यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और q के जगह टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो e टू पावर टेन इनवर्स x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स x होगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इसका हल है y इंटू यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर टेन इनवर्स x इक्वल टू q मीन्स इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x e टू पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c। अब इसका समाकलन करने के लिए क्या करें, एक तो इसका समाकलन करने के लिए टेन इनवर्स x इक्वल टू t माना जा सकता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये t e टू पावर t यहाँ पर रह जाएगा, मतलब टेन इनवर्स x इक्वल टू t समाकलन को हल करने के लिए। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स x e टू पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बनेगा, ये t बनेगा तो t e टू पावर t डी टी हो जाएगा। तो आगे इसका समाकलन हो जाएगा t इंटीग्रेशन e टू पावर t डी टी माइनस डी डी टी ऑफ t एंड इंटीग्रेशन e टू पावर t डी टी फिर पूरे का समाकलन। तो ये t e टू पावर t हो जाएगा माइनस इसका 1 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन e टू पावर t डी टी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर e टू पावर t t माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो इसका हल हो जाएगा y tan इनवर्स x इक्वल टू e टू पावर t एंड e टू पावर tan इनवर्स x एंड यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस 1, ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। तो tan इनवर्स x अगर डिवाइड कर देते हैं सब में तो y इक्वल टू e टू पावर बाय, सॉरी यहाँ पर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए इसको लिखना था हमको y e टू पावर टेन इनवर्स x इक्वल टू, इसके बदले में ये लिखना था e टू पावर टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x माइनस वन प्लस c। तो e टू पावर टेन इनवर्स x का डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वन प्लस सी ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स, डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार ये पहला का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद एक्स वाले को बाद में सॉल्व करेंगे, अभी पहले वाई में रैखिक समीकरणों को देख लेते हैं। पहले वाई में रैखिक समीकरणों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्स में रैखिक समीकरण को देखेंगे। दूसरा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब फिर से ये रैखिक फॉर्म में अभी नहीं है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई फोर एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब p की जगह ये है, q की जगह ये है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसको t मानेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका अवकलन करेंगे टू एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन e टू पावर डी टी अपॉन टी आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे मैंने log t। तो ये हो जाएगा e टू पावर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ई के पावर में लॉग होता है तो वन हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये हो गया वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा तो फोर एक्स फोर आएगा, तो फोर अपन थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स माइनस एक्स, चलिए जगह स्पेस कम पड़ सकता है, इसको मिटा देते हैं, मेन फार्मूला को रहने देते हैं, मेन फार्मूला को रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं थर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन ई टू पावर एक्स ऐसा दिया हुआ है। अभी फिर से ये इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम एक्स का इसके सामने में जो एक्स है उसका डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ई टू पावर एक्स अपान एक्स। तो आगे ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पी की जगह यहाँ पर माइनस वन अपान एक्स है, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ई टू पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस को हम एक्स के साथ ले जाते हैं तो एक्स टू पावर माइनस वन। अब ई टू पावर लॉग है तो ये वन हो जाता है, कई बार बता चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपान एक्स है। इसका हल हो जाएगा वाई इंटू वन अपान एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स माइनस वन ई टू पावर एक्स अपान एक्स, और बट्टे में फिर एक्स डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए समाकलन के एक विशेष विधि था कि जब ई टू पावर एक्स हो और ऊपर में घात जितना है उसका एक घात यहाँ दिख रहा है तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। y अपन x इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपन x स्क्वायर मीन्स e टू पावर x अपन x dx माइनस e टू पावर x अपन x स्क्वायर dx प्लस c। देखिए ये e टू पावर x इंटू एक्स इसमें डिवाइड किए तो एक x कटा, फिर माइनस वन इंटू ई टू पावर x मीन ऐसा करके लिखे। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, y अपन x इक्वल टू वन अपन x का डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसको प्रथम फलन मानते हैं, वन अपन x इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ई टू पावर एक्स का समाकलन ई टू पावर एक्स रहेगा, ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन अपन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर इसीलिए प्लस। और ये फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल होगा और सभी में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो
इस प्रकार ये तीसरे का सोल्यूशन हुआ। चौथा क्वेश्चन ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर पी की जगह टेन एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन टेन एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है तो ई टू पावर लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, ठीक। तो ई टू पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा तो सेक एक्स आ जाएगा। इसका हल हो जाएगा वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसे इसका हल हो जाएगा। तो सेक एक्स और कॉस एक्स कैंसिल होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। वाई सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का प्रथम फलन मान करके करते हैं वाई सेक एक्स एक्स स्क्वायर समाकलन कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर समाकलन कॉस एक्स डी एक्स फिर पूरे का समाकलन प्लस सी। तो वाई सेक एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया कॉस एक्स का, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो गया और ये साइन एक्स हो गया डी एक्स प्लस सी। फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे वाई सेक एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन एक फार्मूला का माइनस आएगा और ये माइनस, तो टू डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स समाकलन साइन एक्स ये डी एक्स लिखेंगे डी एक्स फिर पूरे का समाकलन प्लस सी। तो ये हो गया वाई सेक एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब क्या होगा ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है तो प्लस टू एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और इसका माइनस कॉस एक्स होगा तो माइनस टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में वाई सेक एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन होता है तो माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं या अब इसमें फॉर्मेट चेंज होगा, इसमें फॉर्मेट अब चेंज होगा, देखिए कैसे होगा। अब हम x में रैखिक समीकरण देखेंगे, ये y में रैखिक समीकरण था। x में जो रैखिक समीकरण होगा यहां dx एक्स अपन डी वाई होगा, यानी y स्वतंत्र चर हो जाएगा और x स्वतंत्र चर हो जाएगा। यहां p और यहां x होगा, p इंटू एक्स इक्वल टू q, तो p व q y के फलन होंगे, y के फलन होंगे। इसका जो हल होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन डी वाई प्लस सी, इस फॉर्मेट में होगा क्योंकि ये एक समय रैखिक समीकरण है। जैसे कि ये पांचवें नंबर का प्रश्न है y स्क्वायर डी एक्स अपन डी वाई प्लस एक्स माइनस वन अपन वाई इक्वल जीरो, ऐसा दिया हुआ है। अब इस समीकरण के बारे में विचार करें तो ये बीच में प्लस माइनस होने की वजह से चर पृथककरण होगा नहीं, समघाती है नहीं, यहाँ वर्ग दो है डी एक्स के साथ, यहाँ एक बटे में है। तो हम क्या करते हैं इधर पक्षांतर कर देते हैं इसको। सबसे पहले वाई स्क्वायर डी एक्स अपन डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन अपन वाई, फिर डी एक्स अपन डी वाई के साथ में एक लाना है तो वाई स्क्वायर का भाग देते हैं तो डी एक्स अपन डी वाई प्लस एक्स अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अपन वाई क्यूब, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर p की जगह ये x के साथ में p की जगह में ये y का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू पावर वन अपन वाई स्क्वायर डी वाई, तो e टू पावर माइनस टू है तो इसका हो जाएगा e टू पावर माइनस वन अपन वाई, और हल हो जाएगा x इंटू e टू पावर माइनस वन अपन वाई। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। हम्म,
ई टू पावर माइनस वन अपन वाई इसका है वाई स्क्वायर का वाई टू पावर माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस वन अपन वाई, और ये हो जाएगा वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन वैसे है यहाँ पर, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस वन अपन वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू वन अपन वाई डी वाई ऐसा करके लिख लेते हैं, और मानते हैं वन अपन वाई इक्वल टू टी, तो माइनस वन अपन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, या डी वाई अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी लिखेंगे, ये माइनस को उसमें रख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस टी, और इसके जगह आ जाएगा अपॉन टी, इसके जगह आ जाएगा अपॉन टी, और उसके बाद ये वन अपन वाई स्क्वायर डी टी बन जाएगा। अब इसमें क्या है वन अपन टी का तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, अच्छा सॉरी ये टी आएगा, वन अपन वाई के बदले टी लिखेंगे तो अपान में नहीं होगा, टी इंटू ई टू पावर माइनस टी होगा, टी ई टू पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा। तो ये माइनस टी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस टी डी टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस टी डी टी ऐसे हो जाएगा, फिर पूरे का समाकलन। तो ई टू पावर माइनस टी का ई टू पावर माइनस टी आएगा, लेकिन ये साइन का आएगा तो प्लस हो जाएगा, टी ई टू पावर माइनस टी, टी का वन हो जाएगा और ई टू पावर माइनस टी का माइनस ई टू पावर माइनस टी हो जाएगा डी टी। तो ये फिर माइनस और इसका आएगा तो फिर प्लस आ जाएगा, टी ई टू पावर माइनस टी एंड प्लस ई टू पावर माइनस टी, टी की जगह वन अपन वाई लिखना है। तो हमारा सोलूशन हो जाएगा एक्स ई टू पावर माइनस वन अपन वाई इक्वल टू वन अपन वाई ई टू पावर माइनस टी, सॉरी ई टू पावर टी की वैल्यू वन अपन वाई रखना है, ई टू पावर माइनस वन अपन वाई प्लस ई टू पावर माइनस वन अपन वाई प्लस सी। तो सभी में ई टू पावर प्लस वन अपन वाई का गुणा कर देना है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इसमें आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन अपन वाई प्लस वन प्लस सी ई टू पावर वन अपन वाई, ये इसका सोलूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी पर, जो एक्स में रैखिक है, ये है छठवें नंबर का क्वेश्चन, x प्लस टेन वाई डी वाई इक्वल टू साइन टू वाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण खोजने का ये तरीका ये है कि x और y कहीं एक जगह लिखा होना चाहिए, यहाँ तो कई जगह y y लिखा हुआ है, एक से एक जगह है, मैंने एक समय रैखिक बन सकता है, तो डी वाई को उधर ले जाते हैं, डी वाई को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इधर ले गए इक्वल टू एक्स प्लस टेन वाई, इसको इधर ले गए। अब हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे साइन टू वाई डी एक्स अपन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू टेन वाई। अब यह एक समय रैखिक हो गया, एक समय रैखिक है, लेकिन ये साइन टू वाई का भाग देना पड़ेगा, डी एक्स अपन डी वाई माइनस एक्स अपन साइन टू वाई इक्वल टू टेन वाई अपन साइन टू वाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू पावर माइनस वन अपॉन साइन टू वाई इंटीग्रेशन डी वाई, तो ये हो जाएगा कोसेक ई टू पावर माइनस इंटीग्रेशन कोसेक टू वाई डी वाई, और कोसेक एक्स का होता है लॉग टेन एक्स बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस लॉग टेन वाई, इंगल हाफ करेंगे तो टेन वाई हो जाएगा, पावर को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ई टू पावर लॉग टेन एक्स का इनवर्स यानी कॉट एक्स, ई और लॉग हटेगा तो कॉट एक्स आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। हल हो जाएगा एक्स कॉट, अच्छा वाई में है सब सॉरी वाई वाई, एक्स कॉट वाई इक्वल टू
इंटीग्रेशन 10y अपॉन साइन 2y कॉट y डी वाई प्लस सी, तो कॉट y 10y कैंसिल हो गया, x कॉट y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन है उसको हम कॉसेक 2y डी वाई प्लस सी लिख सकते हैं, फिर से कॉसेक का लॉग 10x बाई 2 होगा, तो x कॉट y इक्वल टू लॉग 10y प्लस सी, ऐसे इसका सोलूशन होगा। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, माइनस डी एक्स अपन डी वाई, एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो साइन टू वाई का डिवाइड करेंगे सभी में, इधर साइन टू वाई इधर साइन टू वाई, ये कोसेक टू वाई कोसेक लॉग 10x बाई 2 लेट लॉग 10y बाई 2, तो 10 हो गया, ये पावर गया तो कॉट वाई। चलिए ठीक, तो इस प्रकार ये रैखिक समीकरण का अलग अलग फॉर्मेट हुआ। अब अवकल समीकरण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।